लखनऊ दौन में दखल न्यूज की खबर का असर देखने को मिला, जहां कई दिनों से सड़क निर्माण नहीं होने पर दखल न्यूज ने रहवासियों की परेशानी का मुद्दा उठाते हुए खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने खबर को संज्ञान में लेते हुए सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले लखनऊ दौन नेशनल हाईवे की खराब सड़कों की जानकारी मिली थी। दखल न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद NHAI ने खबर को गंभीरता से लिया और सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। वहीं लोगों ने भी इस खबर को प्राथमिकता से उठाने पर दखल न्यूज चैनल की सराहना की। गौरतलब है कि NHAI के द्वारा खबर के बाद लखनऊ दौन पेट्रोल पंप से लेकर हाईवे बाईपास तक रोड का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। सड़क का निर्माण आज दिनांक 9/11 को चालू हुआ है। विगत करीब करीब 6 माह से ये परेशानी थी, चूँकि कुछ कारण बताया गया था कि ये गड्ढे हैं, गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे जो दुकान हैं, दुकानों के सामने घटनाएं हो जाना, कई आपातकाल स्थिति बन जाना, कईयों को नागपुर रेफर करना पड़ जाना, इसके कारण हम लोगों ने शिकायतें की थी। और शिकायतों का असर देखने को मिल रहा है कि आज 9/11 को यहाँ पर निर्माण कार्य चालू तो हुआ है, बाकी ये देखना तो प्रशासन का काम है। ये लखनऊ दौन की पेट्रोल पंप चौराहे में बहुत सी रोड है जिसमें बहुत सारे गड्ढे थे। बीते कई दिनों से शासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन शासन ने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी, जो कि एक्सीडेंट या कुछ भी होने का था। लेकिन आपकी न्यूज चैनल ने शिकायत मिलने के बाद आपने जो कार्य किए वो सराहनीय है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।